आज भी नया है कुछ, आज कोक स्टूडियो नहीं है, ना अरिजीत सिंह है, ना बॉलीवुड है, सो इट्स टॉप थ्री सॉन्ग्स एक्चुअली। ये आई थिंक अलग अलग सिंगर्स दिखाएंगे, आइकॉनिक सॉन्ग्स पे लिखा है, ठीक है, हर एक सिंगर का तीन आइकॉनिक सॉन्ग्स शायद ये बताएंगे, शायद। तो मुझे, मैंने पूरा वीडियो देखा नहीं है, इट्स माई फर्स्ट टाइम एक्चुअली, मैंने वीडियो देखा नहीं है, सो फर्स्ट टाइम लिसनिंग, सो लेट्स सी, विल रिएक्ट इट। चैनल पे जो नए हैं LSSC कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। टॉप थ्री आइकॉनिक सॉन्ग्स, फल्गुनी, अच्छा ये इनका सॉन्ग है, ठीक है, जो स्टार्टिंग वाला सॉन्ग था तो मुझे लगा था कि किसी और सिंगर ने गाया है, मुझे ये नहीं पता था कि इनने ही गाया है एक्चुअली, एंड दो तो मैंने सुने नहीं थे, तो अब मैंने देखा कि आइकॉनिक सॉन्ग्स में माना जाता है। आई डोंट नो ये किसने इनको रैंकिंग की है, बट अब वीडियो के हिसाब से आई थिंक पहला वाला तो एक अच्छा सॉन्ग है। नाउ किशोर कुमार, ग्रेट सॉन्ग, किशोरदा के गानों को इनने आइकॉनिक लिखा है, आई थिंक इनको आइकॉनिक प्लस लेजेंडरी लिखना था साथ, विल सी। ग्रेट सॉन्ग, अलीशा, अच्छा ये इनने गाया है, मुझे नहीं पता थी। बट वॉइस, बट इनकी वॉइस तो रियली ग्रेट, मैंने इनका नाम इससे पहले नहीं सुना था, बट सॉन्ग तो गजरा रे जो था वो मैंने सुना है ऑलरेडी, बट वॉइस इनकी रियली ग्रेट। अभी मैंने तीन इनके शायद तीन सॉन्ग्स आ गए थे तो मुझे वॉइस अच्छी लगी, रियली फाइन क्वालिटी वाली वॉइस। सो लकी अली, ग्रेट, ये किसने नहीं सुना होगा मेरे हिसाब से, उषा मंगेशकर, सॉन्ग अपलम छपलम, अच्छा ये शायद उषा मंगेशकर आई थिंक लता जी की बहनों की, मुझे पता नहीं है पूरा, आप कमेंट कीजिए अगर ऐसा है। दुनिया में हम आए, इसकी वॉइस नहीं आ रही है शायद, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, इससे पहले वाला सॉन्ग शायद वो म्यूट किया था, आई डोंट नो क्यों इन्हें म्यूट किया था वो, बट अभी दूसरा सॉन्ग है इनका। उषा मंगेशकर की जी की बात अगर करें, मैंने इनका नाम सुना था बट मैंने इनका कोई गाना आज तक नहीं सुना है, सो ये मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ, एंड थोड़ी बहुत लाइक लता जी एंड आशा जी से, मतलब वॉइस से लग रहा है कि उन्हीं की फैमिली की है। SP बाला सुब्रमण्यम जी, इनकी वॉइस इनकी टोटली डिफरेंट, सबको पता होगी है, आइकॉनिक सॉन्ग। ये भी सुना है मैंने, दिल दीवाना बिन सजना के।
के माने ना। ये भी सुना है मैंने, पहली बार अभी तक के सिंगर्स में मैंने किसी के तीनों सॉन्ग सुने हैं, वो SPG थे। नाउ उषा जी, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। इनकी वॉइस टोनल, एक वो एक बड़ी बड़ी वॉइस, बुलंद वॉइस एंड रियली ग्रेट। इनका इंग्लिश एक्सेंट ज़बरदस्त, मुझे अच्छा लगता है। एंड इन तीनों में से तो मैंने सिर्फ लास्ट का सुना था, डार्लिंग, वो सॉन्ग मैंने सुना है। बट शी इज़ रियली ग्रेट सिंगर, रफ़ी साहब। इनका तो हर एक जो तेरी देखी शराबी ये दिल, चौदहवीं का चांद हूँ। ये क्या सॉन्ग है, रफ़ी साहब की बात करें, उनके तो ये तीन या चार सॉन्ग्स ही सिर्फ आइकॉनिक नहीं है, उनका तो हर एक सॉन्ग एक तो आइकॉनिक प्लस लेजेंडरी प्लस एवरग्रीन। अब जो नाम दे दो वो दे सकते हो। नाउ महालक्ष्मी आया, इनका नाम भी मैंने पहली बार सुना है बट सॉन्ग सुना था। ये भी इनने गाया है। मैंने इनके जितने भी सॉन्ग्स अभी इनने प्ले किए मैंने सुने हैं सारे, बट मुझे पता नहीं थी कि ये इनका नाम आयर जी ये है। सिंगर कौन था वो मुझे नहीं पता था, बट सॉन्ग्स तो मैंने सारे सुने थे। रियली ग्रेट वॉइस एक्चुअली। जावेद अली जी को कौन नहीं जानता है। Really iconic song. What a voice, softness. जावेद अली जी की वॉइस मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आई एम फैन इनकी वॉइस का, जावेद अली जी का। इनका बहुत सारे सॉन्ग्स हैं इनके, बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स हैं इनके, सारे ही iconic मेरे हिसाब से। मुझे इनकी वॉइस बड़ी अच्छी लगती है। सपना जी, अच्छा इनने ये गाया है, ठीक। इनकी वॉइस की बात करें, इट्स लाइक वो गुंडे वाली वॉइस, आप समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। वैसी वॉइस, लाइक एक वो हेवीनेस, गुस्से वाली वॉइस, टोनल क्वालिटी, बट ये भी तो एक यूनिक टोनल क्वालिटी है। ये ऐसी वॉइस हर किसी के पास नहीं होती है। एंड इनके दो सॉन्ग्स मैंने तो सुने थे, एक तो जो छैया छैया एंड दूसरा परदेसी, ये तो मैंने सुने थे इनके ये दो सॉन्ग्स। बट ये गा रही है, इनका ये नाम है ये तो मुझे नहीं पता थी, अंकित तिवारी। Really great song. मुझको भावे प्यार दे, मुझे तू प्यार दे, पहला एंड लास्ट वाला सॉन्ग तो मैंने सुना है इनका, गलियां एंड सुन रहा है ना तू। बीच वाला जो था प्यार दे शायद वो मैंने नहीं सुना है, बट ये जो दोनों गाने हैं, बीच वाले गाने का तो मैं नहीं कह सकता मैंने सुना नहीं है, बट गलियां एंड सुन रहा है ना तू इज़ रियली ग्रेट। इनकी अगर इनकी बात करें अंकित तिवारी की, तो
एक्चुअली आप बोल सकते हो उनका आइकॉनिक सॉन्ग केस चित्रा। ओह ये सॉन्ग भी इनने गाया है। अच्छा पहले दो सॉन्ग्स मैंने इनके सुने हैं, ठीक है, तीसरा वाला तो मैंने सुना नहीं था। बट सिंगर कौन, सिंगर ये थे चित्रा जी, मैंने नाम नहीं पता थी मुझे तो, बट दोनों सॉन्ग्स मैंने सुने हैं ऑलरेडी। एंड रियली ग्रेट वॉइस, सो सॉफ्ट वॉइस, फाइन वॉइस कह सकते हैं हम, रियली ग्रेट शंकर जी। या आइकॉनिक सॉन्ग सेकंड आइकॉनिक सॉन्ग। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है खुशबू की। तीनों सॉन्ग्स को मैं अपनी तरफ से भी स्टैम्प डाल रहा हूँ, आइकॉनिक सॉन्ग्स, रियली ग्रेट सॉन्ग्स, तीनों रियली ग्रेट। ना कि तीन, इनके अलावा भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो इनके रियली ग्रेट है एंड, बट जो इनने यहाँ पर डाले थे तीनों ग्रेट है। जिनके मैंने सुने होंगे मैं अपनी तरफ से आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से ये लगते हैं आइकॉनिक या नहीं, बट इनके तीनों सॉन्ग्स आइकॉनिक थे। सोनू कक्कर पहला वाला तो अरिजीत सिंह का सॉन्ग था कलंक, बट लास्ट वाला जो अभी था बिजली खड़ी, ये तो मैंने बहुत पहले सुना था, बट ये इनने गाया है ये मुझे नहीं पता थी। इट्स रियली ग्रेट, मुझे ये नहीं पता थी। बट इनका भी नेहा जैसा ही थोड़ा बहुत वॉइस का टोन मिलता है क्योंकि बहन है, ये सीधी सी बात है। सो इनकी वॉइस भी डिफरेंट वॉइस है। हिमेश जी इनका आइकॉनिक सॉन्ग, सेकंड आइकॉनिक सॉन्ग, थर्ड आइकॉनिक सॉन्ग। तीनों सॉन्ग इनके आइकॉनिक है। मेरी स्टंप, शिल्पा राव, वन ऑफ माय फेव। ग्रेट सॉन्ग्स, तीनों आइकॉनिक सॉन्ग्स। एंड इन तीनों सॉन्ग्स में से जो मेरा फेवरेट ज़्यादा था वो खुदा जाने, क्योंकि के ने भी गाया है वो, मतलब इन्हीं के साथ इसी सॉन्ग में गाया है। एक्चुअली मेरा फेवरेट सॉन्ग है इन तीन आइकॉनिक सॉन्ग्स में अभिजीत जी। ये मैंने सुना इस टाइप सॉन्ग। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, धुमक धुमक। दूसरा एंड तीसरा सॉन्ग मैंने सुना है एंड तीसरे सॉन्ग को तो मैं कह सकता हूँ आइकॉनिक, क्योंकि उसकी कंपोजिशन रियली ग्रेट है। जसपिंदर नरूला, इससे पहले भी ये गा रही थी बट उस वॉइस तो टोटली डिफरेंट थी। पहले तो कुछ डिफरेंट, वो लाइक अलग वॉइस जैसी थी, बट अब सडनली दूसरे वाले सॉन्ग में इतनी सॉफ्ट वॉइस, फिर ये तो ज़बरदस्त बात हुई, क्योंकि पहले एक टाइप का टोन एंड नाउ इसमें सॉफ्टनेस, ऐसा साइड वॉइस का, रियली ग्रेट सॉन्ग। तो मैंने नहीं सुने दोनों,
ये मैंने सुना है। झुकी झुकी सी नजर, लेजेंड चिट्ठी न कोई संदेश, फर्स्ट आइकॉनिक सॉन्ग प्लस लेजेंडरी। जाने वो कौन होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसम। अगर जगजीत सिंह की बात करें, जगजीत जी की बात करें, ये तो लेजेंड है। इनके बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो लेजेंडरी है। एंड अगर इसमें जो इनने पिक किए हैं तीन सॉन्ग्स, उसमें जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तीनों आइकॉनिक है। दूसरा वाला होश वालों को, वो मुझे बड़ा सॉन्ग अच्छा लगता है। नवरेखा जी, रियली ग्रेट वोकल टोन। ओ ये इन्हें गाया है, ठीक है, ये मुझे नहीं पता थी। बहुत सारे सॉन्ग्स तो मैंने इसमें से जो स्टार्टिंग में थे, जो मैंने आपको साथ साथ बोला, वो मैंने नहीं सुने थे एक्चुअली। एंड जो सुने थे वो किन्ने गाए हैं वो मुझे नहीं पता थी, तो इनने दिखा दिया, इनका शुक्रिया। एंड कुछ सॉन्ग्स थे जो सच में आइकॉनिक है, जैसे कि जगजीत सिंह जी का था, शंकर जी का था। एंड इट्स रियली ग्रेट, इनने ऐसा बनाया है। थोड़ा बहुत तो मुझे नॉलेज मिल गई किसने क्या गाया है। सो ये आज का वीडियो था। आप कमेंट कीजिए, आपको क्या लगता है, कौन सा सॉन्ग आपको लगता है कि आइकॉनिक है मगर इनने नहीं लिखा है, या कौन सा ऐसा लगता है जो इनने लिखा है बट आइकॉनिक सॉन्ग नहीं है। आप कमेंट कीजिए, ठीक है। एंड इनमें से आपका फेवरेट सिंगर जो था वो भी आप कमेंट कीजिए कि आपका कौन फेवरेट सिंगर है इनमें से, ठीक है। एंड सो आज का वीडियो था, ठीक है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।